सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब? मज़े में ना? आज अपनी हिंदी व्याकरण की क्लास है। आज हम भाग एक में लेसन नंबर 8 यानी पाठ क्रमांक 8 विशेषण मतलब क्या एडजेक्टिव, हाँ इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। विशेषण में ज़्यादातर एक ध्यान में रखने वाली बात यह है कि जो शब्द विशेष रूप से वाक्य में उपयोग करते हैं और किसी के बारे में हमें विशेष रूप से जानकारी मिलते हैं उसे ही विशेषण कहते हैं। विस्तार स्वरूप अभी जान लेते हैं। नीचे दिए संवाद को पढ़िए। सुरभि, आज तुम्हारी कक्षा में कौन सी नई छात्रा आई है? समीर, श्वेता शर्मा। सुरभि, क्या वही जिसका गोरा रंग है और लंबे बाल है? समीर ने कहा, हाँ वही श्वेता है परंतु बहुत बातूनी है। सुरभि, अच्छा फिर तो खूब मज़ा आएगा, तुम सब खूब सारी बातें करोगे। समीर, हाँ वह बहुत होशियार लड़की है। सुरभि, क्या तुम उसके बारे में जानते हो? समीर ने कहा, हाँ हमारी कक्षा अध्यापिका ने बताया था कि श्वेता बहुत प्रतिभावान लड़की है और वह सबसे मीठा बोलती है। अब ये ग्रामर का विशेषण यानी एडजेक्टिव भाग समझाने के लिए यहाँ पे आपको संवाद माध्यम से बताया है, जिसमें ये लड़का चित्र में देखिए, ये लड़का है कौन, समीर, और ये है सुरभि, और जिसके बारे में बताया जा रहा है वो श्वेता है, ठीक है, जो नई लड़की आई है। तो ये संवाद में पूरे स्टोरी में अब वो क्या दिखाई दे रहा है, देखो ये जो रेड अक्षर लिखे हैं ये सारे शब्द विशेषण कहलाते हैं। जैसे नई छात्रा, गोरा रंग, बातूनी है, खूब होशियार, प्रतिभावान, मीठा, ये विशेष रूप जतलाते किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के बारे में, तो उसे क्या कहेंगे हम, विशेषण। हाँ आगे जानते हैं। उपयुक्त संवाद में सभी रंगीन शब्द नई, गोरा, लंबे, बातूनी, खूब होशियार, प्रतिभावान और मीठा शब्द विशेषण है, क्योंकि ये संज्ञा शब्दों की विशेषता बता रहे हैं, ठीक है। अब ये शब्द तो सारे संज्ञा कहलाते हैं लेकिन ये विशेष रूप में जानकारी देते हैं तो इन्हें हम विशेषण भी कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताता है उन्हें विशेषण कहते हैं। अब सर्वनाम शब्द तो आप जानते हैं, वे, हम, तुम, वे, इस तरह से ये जो शब्द सर्वनाम शब्द होते हैं, और संख्या शब्द का वाक्य में प्रयोग करके उस जिसके बारे में हमें कहना है विशेष बात तो उसे उस उन शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष कहते हैं। अब जैसे कि शब्द कोई है, हाँ जैसे कि कहानी, फिल्म वगैरह जो शब्द होते हैं तो इन्हें विशेष कहा जाता है, लेकिन जब उसके बारे में हम बोलते हैं, किसी फिल्म के बारे में विशेष शब्दों का प्रयोग करके हम बोलते हैं, तब हम विशेष की एक अलग जानकारी, उसकी विशेषता पता चलते तब उसे हम विशेषण कहते हैं। जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष कहते हैं और विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। अतः लंबी, लंबी से तो हमें बोध नहीं होता है, लंबी से हमें बोध नहीं होता है, ठीक है, तो विशेषण हो गया। तो लंबी क्या है, कहानी है, फिल्म है, लड़की है, तो वो विशेष होगा, ठीक है। लंबी कहानी, मज़ेदार फिल्म,
चार कबूतर, सुरीली आवाज, तेज धूप। तो लंबी ये विशेषण हो गया। कहानी ये क्या है? विशेष मजेदार है। क्या है? हाँ, लड्डू है, पेड़ा है, फिल्म है, क्या है? तो मजेदार फिल्म। तो किसके बारे में? तो विशेष्य है। और क्या विशेषण लगा है? मजेदार है, अच्छा है, कड़वा है, बुरा है, वो विशेषण कहलाता है। तो इसी तरह से ये तख्ते में आपको अलग करके दिखाया। देखिए यही शब्द एक विशेषण है और विशेष्य है। तो लंबी क्या है? कहानी है। कहानी के बारे में बता रहा है तो वो विशेष्य हो गया। मजेदार ये विशेषण है। तो मजेदार क्या है? फिल्म। तो पता चल जाता है, बोध हो जाता है विशेषण और विशेष्य के माध्यम में। विदाउट विशेष्य, बिना विशेष्य के आप विशेषण का कोई मतलब नहीं होता, या बिना विशेषण के विशेष्य का भी कोई मतलब नहीं होता। चार कबूतर, सुरीली आवाज, तेज धूप, ठीक है, इस तरह से। विशेषण के चार भेद है। अब इनमें भी बताए हैं कि विशेषण है, हाँ, तो इनके भी चार भेद होते हैं। तो वो कौन कौन से? देखिए तो गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सर्वनामित विशेषण। इस तरह से चार मुख्य विशेषण के भेद है, यानी कि प्रकार है, ठीक है। तो पहला देखते हैं कौन सा है, गुणवाचक विशेषण। अब यहाँ पे एक चित्र दिया है कि एक छोटा लड़का है जो अंगूर खा रहा है। तो वो खाने के बाद क्या महसूस कर रहा है वो भी बताए इधर। अंगूर मीठे है, ठीक है, अंगूर कैसे है? मीठे है। तो मीठे ये क्या हो गया? विशेषण हो गया। लेकिन क्या मीठे हैं? तो अंगूर। तो ये विशेष्य हो गया, विशेषण और विशेष्य, ठीक है। तो इसे आप क्या बोलेंगे? मीठे ये शब्द को गुणवाचक, ये उसका मीठा गुण बताया गया है, तो ये गुणवाचक विशेषण हुआ। अब ये घर बताया है, या आप इसे भुवन बोल सकते हैं या बंगला बोल सकते हैं। यह घर बड़ा और शानदार है। तो ये वाक्य में क्या बताया है कि इसमें गुणवाचक क्या है? तो बड़ा ये गुण है और ये शानदार भी है, ये उसका घर का विशेष गुणवाचक विशेषण हुआ। बड़ा है, शानदार है, सुंदर है, ये गुणवाचक विशेषण हुआ। तो इस प्रकार से वाक्य के माध्यम से बताया है कि गुणवाचक हमें विशेषण किसे कहते हैं। उपरोक्त वाक्यों में मीठे शब्द अंगूर की तथा बड़ा और शानदार शब्द घर की विशेषता बता रहा है। यही बताया है अभी कि अंगूर मीठे है करके ये वाक्य में बताया गया है, और घर बड़ा और शानदार है, ये उसकी विशेषता है। हाँ, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष, रूप रंग, आकार, स्वाद, दशा, काल आदि की जानकारी मिलती है, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अब स्पेशली गुणवाचक विशेषण कैसे समझेंगे या जानेंगे? तो जिनमें गुण दोष होते हैं, रंग रूप होते हैं, आकार होता है, स्वाद होता है, दशा होती है, काल होती है, ऐसे शब्दों के प्रयोग किए जाते हैं, ऐसे संज्ञा सर्वनाम के प्रयोग किए जाते हैं, उनके साथ ऐसे शब्दों के विशेषण रूप में प्रयोग किए जाते हैं तब, हाँ, जैसे कि गुण दोष हुआ, मतलब संज्ञा ये शब्द हुआ और सर्वनाम के साथ ऐसे विशेषण रूप शब्द हुए जिनमें गुण दोष बताए, रूप रंग बताए, आकार बताए, स्वाद बताए, दशा काल बताई, तो वो गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं, ठीक है। अब गुण में देखिए क्या आता है, ईमानदार, वीर, ठंडा, गरम, सुंदर, शांत, भोला, मेहनती आदि, ये किस में आते हैं गुण? ये गुण में शब्दों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं कि जिनके हम गुण बता सके, जिनके हम फीचर्स, गुण यानी कि अच्छे अच्छे गुण, बोलते हैं ना कि इसका स्वभाव इतना अच्छा है, कि ये चीज़ ठंडी है, ये चीज़ गर्म है, ये सुंदर है, तो इसी ये गुणवाचक शब्द है सारी, या ये इसे आप ये भी कह सकते हो कि ये गुणवाचक विशेषण है। अभी दोष के माध्यम से अभी देखिए ये कैसे गुण है। देखिए मूर्ख दोष के
शब्द कैसे होते हैं देखिए, मूर्ख, बेईमान, चालाक, कायर, आलसी, बूरा, कड़वा आदि। ठीक है, तो ये इसमें बताया जाता है कि किसी का स्वभाव कैसा है, कौन कैसा है, कौन कैसा नहीं है, तो इन शब्दों का इस्तेमाल होता है। तो ये भी शब्द जब हम इस्तेमाल करते हैं तो दोष के स्वरूप में और ये गुण के स्वरूप में, तो इनको हम गुणवाचक विशेषण शब्द कह सकते हैं। अब ये आकार के स्वरूप में, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये पतला है, मोटा, गोल, त्रिकोणी आदि, तो इसको आप हम लोग आकार के स्वरूप में जान लेते हैं। ठीक है, तो ये गुणवाचक विशेषण में ये आकार स्वरूप शब्द भी होते हैं विशेषण के रूप में। ठीक है, अवस्था, ये ऊंचा है, नीचा, बीमार, स्वस्थ, कमजोर, बूढ़ा, जवान आदि। तो इसमें यही बताया गया है कि आप गुण, दोष, आकार, अवस्था जो शब्दों में लाते हैं संज्ञा और सर्वनाम के साथ, तो जब हम ऐसे विशेषणों का प्रयोग करते हैं, गुण, दोष, आकार, अवस्था, तब आप उसे क्या बोलेंगे, गुणवाचक विशेषण। और ये सारे गुणवाचक विशेषण शब्द है जिससे हमें वाक्य के माध्यम से भाव पता चलता है। ये भाग यहीं पे समाप्त होता है, मिलते हैं अगले भाग में। थैंक यू।